हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियों के बारे में समझने वाले हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय मैं इस तरीके से आपको लिख करके लाया हुआ हूँ, जो आप अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिख देते हैं तो एग्जामिनर जो है आपके पूरे पूरे अंक देने पर मजबूर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अगर जीवन परिचय लिखेंगे तो आपके पूरे पूरे अंक मिलेंगे, एक भी नंबर आपका एग्जामिनर काट नहीं पाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से लिखेंगे ध्यान से समझते हुए चलिए। सबसे पहले आपको हेडिंग देना है जीवन परिचय, इनके जीवन परिचय को लिखने के बाद से साहित्यिक परिचय लिखना है। ठीक है, ट्वेल्थ वाले जितने भी स्टूडेंट है वो ध्यान देंगे, जीवन परिचय लिखे बिना आपको साहित्यिक परिचय डायरेक्ट नहीं लिखना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हेडिंग देना है जीवन परिचय और क्या क्या चीजें जीवन परिचय में लिखनी है ध्यान से सुनिएगा। मैं एक बात और बता दूं तो पीछे की जितने भी कवि और लेखक हैं जो भी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइन बाय लाइन वो सब लोग खड़े हुए हैं, उन सबका एक एक करके देख लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया हुआ है उनका जीवन परिचय साहित्यिक परिचय। बड़ी आसानी से उन सबका जीवन परिचय याद कर सकते हैं, मैं बिल्कुल सरल भाषा में लिख करके आता हूँ। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हेडिंग देना है जीवन परिचय और इसके आगे लिखना है आपको राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, 1886 ईस्वी में हुआ था, कहाँ हुआ था, चिरगांव में हुआ था। ये चीजें आपको पहली लाइन में लिखनी होती है, चाहे आप किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिख रहे हो, ये चीजें जो होती है पहले पैराग्राफ में लिखनी होती है। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है हमारे पास, इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त एक कवि थे, इनके पिता जो है एक कवि थे, इनका नाम क्या था, सेठ रामचरण गुप्त। ठीक है, आगे है हमारे पास, गुप्त जी को प्रारंभ से अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया। गुप्त जी को प्रारंभ में क्या किया गया, अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, परंतु वहां इनका मन न लगा, लेकिन वहां पे इनका मन नहीं लगा, अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया और ये घर पे ही पढ़ने लगे। ठीक है, इनका मन नहीं लगा तो ये घर पे ही पढ़ने लगे, घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रारंभ कर दिया गया। आगे लिखना है, इन्होंने अपनी कविताओं से राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। जो असहयोग आंदोलन उस समय चल रहा था उसमें भी ये भाग लेते थे और इसके फलस्वरूप भाग ले लेते थे, अगर कोई आंदोलन में भाग लेगा तो वहां पे मारापीटी तो जाहिर सी बात है, और इन्हें जेल भी जाना पड़ा, कई बार इनको जेल जाना पड़ा असहयोग आंदोलन के कारण। ठीक है, आगे लिखना है, जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे, यानी जीवन के मरते समय तक इन्होंने क्या किया, साहित्य साधना का साथ नहीं छोड़ा और साहित्य लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे। आगे लिखना है, 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को माँ भारती का यह महान साधक पंच तत्व में विलीन हो गए। तो ये जीवन परिचय था, देखिए आपने कितना आसानी से मैंने ये जीवन परिचय आपको पढ़ के सुना दिया, 2-3 बार आप पढ़ेंगे याद हो जाएगा आपका जीवन परिचय। ठीक है, 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई थी, तो डेट आपको याद रखनी है जन्म के और मृत्यु के, और इनका जन्म स्थान जहाँ जन्म हुआ था वो चीजें, तो इसमें से की वर्ड निकाल सकते हैं और उनको याद करने के बाद से इनकी कहानी पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे लिखना है, अगली हेडिंग आपको लिखनी है साहित्यिक परिचय। अब आपको साहित्यिक परिचय की हेडिंग देनी है और इसमें देखिए क्या क्या लिखना है ध्यान से सुनिए। गुप्त जी का झुकाव गति काव्य की ओर था, गुप्त जी का झुकाव कहाँ था, गति काव्य की ओर, यानी काव्य में इनका ज्यादा रुझान था, काव्य में इनकी रुचि जो है ज्यादा थी, और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। राष्ट्र के प्रति जो प्रेम था ना, इनकी हर कविताओं में दिखने को मिलता है। ठीक है, इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणादायक चित्रण हुआ है। ठीक है, इनके काव्य में जो है भारतीय संस्कृति का प्रेरणादायक चित्रण हुआ है, भारत की संस्कृति को बढ़ाने का कार्य किया है इनका काव्य। ठीक है, आगे लिखना है, साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। इनको साकेत जो महाकाव्य इन्होंने लिखा इस पर जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन का पुरस्कार दिया गया, प्रयाग से इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे लिखना है, भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया, पद्म भूषण भी इनको मिला था भारत सरकार के द्वारा। आगे लिखना है, और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया था, तो जो भारत सरकार था ना इनको राज्यसभा के लिए सदस्य भी मनोनीत किया था और इनको पद्म भूषण का भी इनाम दिया था। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है साहित्यिक परिचय में, तो यहाँ पे आपका साहित्यिक परिचय खलास होता है, इतनी चीजें आपको बस लिख देनी है, उसके बाद से आगे बढ़ना है। अगली हेडिंग आपको अंतिम हेडिंग देनी है कृतियाँ। ठीक है, और यहीं से आपको क्या करना है, कृतियाँ लिख करके जल्दी से इस जीवन परिचय से भाग करके अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो कृतियाँ में आपको क्या क्या लिखना है ध्यान से समझिए। इनकी प्रमुख मौलिक काव्य रचनाएं निम्नवत हैं, ये पहली पैराग्राफ होगी आपकी,
चाहे आप किसी भी जीवन किसी भी लेखक या किसी भी कवि का परिचय जीवन परिचय लिख रहे हो, पहले आपको लिखना है कि इनकी प्रमुख रचनाएं जो है निम्नवत है, इस तरीके से सब में लिखना है। उसके बाद से इनकी जो भी मैत्रीचरण गुप्त जी की जो भी प्रमुख जो है रचनाएं हैं उनको लिखना है। तो पहले नंबर पे आती है साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, ये सभी किसकी रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं हैं और किसकी रचनाएं हैं, मैत्रीचरण गुप्त जी की, ठीक है। और इनकी अन्य अन्य प्रमुख काव्य रचनाओं को भी देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो इनमें से अगर आप 5-6 भी याद कर लेते हैं तो आपको आपके लिए काफी है, इतना लिखने के बाद से भी एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ इनका इनका जो है जीवन परिचय ये याद करके आया हुआ है, ठीक है। अन्य प्रमुख काव्य रचनाओं की बात करें तो इनकी और भी रचनाएं हैं, रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, पंचवटी, हिंदू, शैलेंद्री, सिद्धराज, नहुष, हिडिंबा, त्रिपथा, काबा और करबला, गुरुकुल, बैतालिक, मंगलघट, अजीत, ये सभी किसके रचनाएं हैं, मैथिलीशरण गुप्त जी की काव्य रचनाएं हैं। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियाँ आपको समझ में आई होंगी। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम लगे और जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो पाना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताया करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।